आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली में अगले 4 दिन तक आसमान से बरसेगी आग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, राज्यों में राहत भरी बारिश के हैं आसार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल के नए क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ गया है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में हीटवेव और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि 11 जून के बाद दिल्ली में यहाँ पर लू का प्रकोप थमने के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में 11 जून से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, उस समय तक लू का प्रकोप यहाँ पर थम जाएगा। वही वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक RK जैनामणि ने यहाँ पर कहा है कि राजधानी में बादल छाए रहेंगे और वीकेंड में यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। वही समाचार एजेंसी NI से बातचीत करते हुए IMD के अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली में तापमान आज 45 डिग्री के आसपास जा सकता है। दिल्ली में आज येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि लोगों से कहा है कि वो अपने घरों पर ही रहे। वही कल भी यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की थी। वही कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में लू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। वे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने को मौसम विभाग ने कहा है। वही पंजाब में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। वही पंजाब के दक्षिण हिस्सों में तापमान अधिक रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य में लू का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। वही ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहने का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के पार रहने की संभावना है, यानी 40 डिग्री से ज्यादा ही रहने की संभावना है। वही जम्मू कश्मीर और इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और झारखंड में यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर लू चलने की संभावना जताई गई है। जम्मू के कुछ इलाकों में यहाँ पर उत्तरी झारखंड और विदर्भ और हिमाचल प्रदेश में ये यहाँ पर लू की चेतावनी जारी की गई है। वही असम, मेघालय और हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी कर्नाटक, केरल, माहे में भी भारी बारिश के आसार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा और हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भारी बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। वही तमिलनाडु और कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वही बात करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के मौसम अपडेट की, तो मानसून पहुंचने में होगी 6 दिन की देरी। महाराष्ट्र में 12 जून को बरस सकते हैं बादल। महाराष्ट्र में मानसून आने का यहां पर इंतजार लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब ये 6 दिन आगे यहां पर इंतजार कर सकेगा क्योंकि यहां पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने IMD ने अपने अपडेट्स में बताया कि महाराष्ट्र में मानसून 12 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। वही अरब सागर में आकर मानसून की परवाह मन पड़ गई है और इसी वजह से यहाँ पर जो मानसून है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, यानी आगमन में देरी हो रही है। ऐसे में किसानों का इंतजार अब थोड़ा और लंबा हो गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक भारत के मध्य भागों में एंट्री, यहाँ पर जो भारत के मध्य भाग है वहाँ पर एंटी साइक्लोन की मौजूदगी अच्छे मानसून के लिए सही लक्षण नहीं है। इसी वजह से मानसून का व्यवहार असामान्य होने लगता है। देश में बरसात 38 फीसदी तक कम हो सकती है। वही मानसून की रफ्तार अरब सागर में आकर कम पड़ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र में बरसात का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। वही कई जिलों में मानसून से पहले ही यहाँ पर जो मानसून की पहले की बारिश है वो तो हुई है, लेकिन ये उम्मीद से कम रही है। वही मानसून केरल में पहुंचने से पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा और बारिश पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगी, लेकिन अब मानसून के खींचने की रफ्तार है मंद पड़ने की खबरें सामने आ रही है। ये बात किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। वही महाराष्ट्र में बरसात को लेकर मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया उसके मुताबिक दक्षिणी कोंकण में आज कुछ इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली से गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है, यानी गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। नासिक, अहमदनगर और पुणे, कोल्हापुर और सांगली और इसके अलावा सोलापुर और बीड और हिंगोली और इसके अलावा यहाँ पर नांदेड़ में भी यहाँ पर आज नहीं यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया, कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं और कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी यहाँ पर जारी की है।
बात करते हैं अब राज्य और मौसम विभाग में, राजस्थान राज्य के मौसम की बात करते हैं तो राजस्थान में भी यहाँ पर लगातार मौसम का मिजाज यहाँ पर बदल रहा है। दरअसल राजस्थान के 7 जिलों में 2 दिन बाद यहाँ पर बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। दरअसल राजस्थान में अभी जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, वही 10 जून के बाद लोगों को राहत मिल सकती है। वही पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के 7 जिलों में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वही मौसम विभाग कहते हैं दिल्ली से जारी फोरकास्ट में यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में 10 और 11 को यहाँ पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। वही मंगलवार को राजस्थान में और आसपास के कई इलाकों में तो सभी जिलों में यहाँ पर गर्मी के तेवर जो है वो टिके रहे। सभी शहरों में दिन का तापमान 41 डिग्री से ऊपर रहा। वही पिलानी, कोटा और चित्तौड़गढ़, फलौदी और इसके अलावा बीकानेर, चूरू और गंगानगर में यहाँ पर लू का असर रहा। वही दिन का पारा यहाँ 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। वही सबसे अधिक गर्म यहाँ पर शहर जो है वो यहाँ पर धौलपुर रहा, जहाँ 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। वही जयपुर, जोधपुर, अजमेर और नागौर, अलवर बेल्ट में यहाँ पर सुबह से कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चली। हालांकि मौसम का यह असर सुबह 11 बजे के बाद बदल गया और आसमान साफ होने लगा। इसके साथ ही तेज धूप निकलने लगी और गर्मी का प्रभाव पड़ने लगा। वह जयपुर में कल यहाँ पर तापमान परसों के मुकाबले यहाँ पर बढ़ा है, यानी तापमान बढ़ोतरी हुई है। मौसम केंद्र के मुताबिक आज और कल 8 और 9 को यहाँ पर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव का असर रहेगा, वह गर्मी का असर रहेगा, वह तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं होगा। वह 10 जून से राजस्थान के अंदर प्री मानसून की बारिश होगी। वही यह बारिश कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में यहाँ पर तेजी से हो सकती है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम के जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। यहाँ बादल छाने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 11 जून को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में ऐसा ही मौसम रहेगा, ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया, यानी ऐसा इस तरह का मौसम ही रहने के आसार जताए गए हैं। बात करते हैं अब राजस्थान के बाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट की, तो यूपी में भी यहाँ पर मौसम में लगातार देखने को मिल रहा है बदलाव। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर भीषण गर्मी के बीच लोगों को यहाँ पर राहत नहीं मिल पा रही, यानी यूपी के कई जिलों में अब यहाँ पर राहत नहीं मिल रहा, लेकिन मौसम विभाग की ओर से अच्छी खबर भी निकल कर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए राहत और बड़ी खबर है। दरअसल इतने दिन से जो चिलचिला थी धूप से परेशान लोग थे, उन्हें जल्दी यहाँ पर राहत मिलने वाली। दरअसल मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 11 तारीख के बाद भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। कुछ इलाकों में पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वही दिल्ली में 3 दिन के लिए वार्निंग यहाँ पर जारी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर इसका प्रभाव एनसीआर क्षेत्र में पड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 11 जून से हीट वेव जो है खत्म हो जाएगी, इसके बाद लोगों को यहाँ पर राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि यहाँ पर अभी गुरुवार तक यानी कल तक यहाँ पर लू सतने वाली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं अभी यूपी की ओर यहाँ पर लू लेकर आएगी। वही मौसम विभाग के अनुसार यूपी के बांदा, फतेहगढ़ में सबसे ज्यादा यहाँ पर गर्मी रही है। सबसे गर्म ये इलाके रहे। बांदा में मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बता दें आपको कि 29 मई को केरल में मानसून पहुंच गया था। अभी बता दें कि उत्तर प्रदेश में मानसून यहाँ पर 20 तारीख के बाद ही आने की संभावना जताई गई, यानी 20 तारीख के बाद ही यूपी में जो मानसून की एंट्री है वो सोची। यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बताई जा रही है कि 20 तारीख के बाद ही यूपी में कुछ इलाकों में मानसून की एंट्री हो सकती है। बात करते हैं अब बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। दरअसल बिहार में इन दिनों यहाँ पर भीषण गर्मी चल रही है, यानी भीषण गर्मी पड़ रही है। कई इलाके जो है वो बिहार के लू के चपेट में आ चुके हैं, यानी लू के चपेट में कई इलाके आ चुके हैं। वही पश्चिम मध्य और दक्षिण बिहार में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है। वही सहने वाली गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद अब बड़ी है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कल देर शाम यहाँ पर संपूर्ण भारत के लिए अपडेट यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें ताजा पूर्वानुमान में बिहार के हिस्सों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विज्ञान विभाग की अनुमान अगर सही साबित हुआ तो गर्मी से जुलस रहे बिहार के लोगों को राहत मिल सकती है। बता दें कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आमतौर पर औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, इससे जो सामान्य जनजीवन है प्रभावित हुआ। ऐसे में बारिश होने से लोगों को यहाँ पर काफी राहत मिलने के आसार जताए गए हैं, लोगों को काफी राहत मिलेगी। वही मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में यहाँ पर 12 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रिय होने के अनुमान जताया है। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है, मतलब अच्छी बरसात होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार
बिहार में अगले 5 दिनों तक, यहाँ पर 5 दिनों में बारिश शुरू होने की संभावना है। वह बिहार के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में बादल बरसने की संभावना जताई गई है। बता दें आपको कि पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दक्षिण राज्यों में भी लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट क्या कहती है, तो बता दें आपको कि स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी भारत से सटे बांग्लादेश में चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और दक्षिण तट से भी चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं बिहार और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना होते हुए रॉयल सीमा तक एक ट्रिप लाइन बनी हुई। इन मौसमी दिशाओं के कारण बिहार के कुछ इलाकों में असर पड़ सकता है। इसके प्रभाव से बिहार के कुछ इलाकों में यहाँ पर ये बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। बिहार के कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बता दें आपको कि मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार मानसून सामान्य रहने की संभावना जताई है। वही बिहार में अधिकांश इलाकों में इन दिनों यहाँ पर भीषण गर्मी चल रही है। खासकर मध्य और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में यहाँ पर जो गर्मी का प्रकोप है फिलहाल के लिए बढ़ा हुआ है, लेकिन आज कुछ राहत मिलने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से।